हे गाइस, आज हम एनिमेट सीसे के अंदर जो पिछली बार हमने इमेज गैलरी का काम किया था, अधूरा जो रहा था वो हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे जाके देखेंगे, कंट्रोल एंटर करने के बाद देख सकते हो इमेज के ऊपर, फर्स्ट इमेज के ऊपर हम क्लिक करते हैं तब वो बड़ी हो जा रही है, वापस से क्लिक करेंगे तब बैक हो जा रहा है। तो पहले आप अगर ये आपको पता नहीं है कि कैसे किया गया, तो आप पहले इसके पहले वाला वीडियो देख लेना, ठीक है, फिर आगे बढ़ना। तो यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे अगर सपोज सेकेंड इमेज के लिए वही करेंगे हम, ये कॉपी करते हैं वापस से, यहाँ पे क्या करेंगे हम पिच पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इमेज चेंज करना है हमें इमेज टू, और ये फंक्शन का नाम भी हमें चेंज करना है एक्चुअली प्रॉपरली शो, और ये सेम कॉपी करूँगा, यहाँ पे भी चेंज करना होगा, यहाँ पे भी इमेज टू ही करना होगा, यहाँ पे टू इमेज टू के इंडेक्स हमें सेट करनी है मेरे हिसाब से, अभी ठीक है। एक बार कंट्रोल एंटर करके देखते पे वापस से मैं सॉरी यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो देख सकते हो आप लोग कि इमेज क्या हो जा रही है, बड़ी तो हो रही है लेकिन वो दूसरी तरफ ही चली जा रही है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, ये कैसे हम करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इमेज की इमेज का जो सेंटर था वो देखना होगा कहाँ पे है। सो इमेज कौन सी थी, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। सो ये इमेज 5-7 वाली है, मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, इमेज तो पता चल गई हमें। सो ये मैं लॉक करके सब हाइड कर देता हूँ, इसमें से हमें देखना है, इसको मैं मिनिमाइज करके नीचे आ जाता था, ये वाली इमेज है, ठीक है। इसको हम देखेंगे, इसका सेंटर आप देख सकते हो यहाँ पे ही है, कॉर्नर पे ही है, तो वो प्रॉब्लम क्या दे रही है कि हमें ये 0-0 पे सेट कर देना है। कैसे, तो यहाँ पे हमें इस बार एक्शन स्क्रिप्ट के अंदर हमें यहाँ पे जाके सेट कर देने की, वो 0-0 पे जाने चाहिए, मतलब mg2.x=0 और mg2.y=0, ठीक है, ये हो गया। हम कंट्रोल एंटर करके देख लेते हैं, ये वापस यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, तो देख सकते हैं ये बड़ी हो चुकी है, अभी वापस से क्लिक करेंगे तो वो पीछे जाने चाहिए। तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे हमें सेट करना होगा, कहाँ पे हमें यहाँ पे सेट करना होगा, ये जो इमेज है कॉपी करेंगे हमें, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और इमेज टू की, इमेज टू आप देख सकते हो यहाँ पे, इमेज टू की जो एक्स और वाई पोजीशन है 320 और 0, सो यहाँ पे जाते हम 320 और यहाँ पे 0, देन हमें हाइट एंड विड्थ भी सेट कर देनी है इमेज टू की। सो कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे जाके हम इमेज टू, और ये इमेज टू, सो यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, हाइट एंड विड्थ यही रखेंगे इमेज टू की, सेम कंट्रोल एंटर करके देख लेते हैं, अभी क्लिक करेंगे, अवश्य क्लिक करेंगे तो इमेज सेट हो रही है, यहाँ पे भी क्लिक करेंगे, अवश्य क्लिक करेंगे तो इमेज सेट हो जा रही है। सो हर एक इमेज के लिए हम ऐसे तो कर सकते हैं, लेकिन अगर सपोज पकड़ लो कि हम ये थोड़ा और इजी तरीके से करें तो और भी अच्छा रहेगा ना। सो यहाँ पे कुछ कॉमन चीज़ें अगर दिख रही हैं या फिर कुछ अलग तरीके से, जैसे कि हाँ मतलब थोड़ा सा कोड अगर कम ज़्यादा हो तो कैसे किया जा सकता है, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे ये 0-0 आ रहा है, ये भी 0-0 आ रहा है यहाँ पे, ओके। सो हम एक आ, आ, आ,
नहीं यही ठीक रहेगा मेरे हिसाब से, तो हम वही करेंगे, वही इजी रहेगा। ये सारे हम कॉपी करेंगे, अभी कॉपी करेंगे, यहाँ पे कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और एक हम काम कर सकते हैं, ये जो सारा कोड है वो बार बार लिखने से अच्छा है कि हम एक बार में ही लिख दें, क्योंकि यहाँ पे भी सेम लिख रहे हैं ना हम, तो ये भी हम कर सकते हैं। मतलब हम एक काम करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे जो इजी कर देगा काम। एक फंक्शन बनाएंगे, सॉरी एक फंक्शन नीचे बनाते हैं, हम नीचे बनाते हैं फंक्शन के, सॉरी फंक्शन एक्चुअली वो ऊपर वाला चाहिए था, मतलब हमें यहाँ पे सेट कर देना है, इन सबको एक फंक्शन के अंदर डालना है। तो सेट इमेजेस करके, और ये नॉर्मल फंक्शन मैंने बनाया, इसकी जो क्लोजिंग है एक्चुअली वो कहाँ पे होगी, ये सब कुछ वो एक साथ क्लिक करने के बाद होना चाहिए। सो ये यहाँ पे, ठीक है। अगर हम अभी कंट्रोल एंटर करते हैं तो ये कुछ एरर भी आ रहा है, कुछ मैंने छोड़ दिया यहाँ पे। यहाँ पे क्लिक करता हूँ डुप्लीकेट, ओके सो ये मैंने कॉपी पेस्ट किया था इसलिए डुप्लीकेट आ रहा है। सो इसको फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, तो अभी अगर मैं कंट्रोल एंटर करके दिखाता हूँ, सो आप लोग देख सकते हो इमेज अरेंज नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन रन किया गया नहीं है, ठीक है। इस फंक्शन को रन करना होगा हमें, तो इसके लिए हम काम करेंगे, नीचे जाएंगे, सबसे नीचे जाएंगे, ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग के बाद उसको एक बार वापस से क्या करेंगे, हम कॉल करेंगे इस तरीके से, ठीक है। एक बार कंट्रोल एंटर करके देख लेते हैं, तो इमेजेस अपने आप सेट हो गया अभी, ठीक है। अभी क्लिक करेंगे तो वापस से क्लिक करने के बाद नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पे जो कोड था वो सारा निकाल दिया। और हम अभी क्या करेंगे, ये सब कुछ कॉपी करेंगे और ये यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, बस इतना ही कर देना है। तो इससे क्या होगा, सारी इमेजेस जो भी इमेज रहेंगी वो इमेज सेट हो जाएगी अपने आप। वापस से क्लिक करूँगा, सेट हो रही है, वापस से क्लिक करूँगा, सेट हो रही है, और भी इजी तरीके से हो गया ये ना। वापस से हर बार को कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार में ही हो गया ये सब कुछ। मैंने क्या किया, ये जो सब कुछ था वो सब कुछ एक फंक्शन के अंदर डाले, खास से यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी अरेंजमेंट हमने स्टार्टिंग में की थी वो, और वो यहाँ पे स्टार्टिंग में कॉल कर दिया, मतलब ये प्ले हो गया एक बार, उसके बाद जब हम क्लिक करते तभी मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो इससे बहुत ईजी हो गया काम करना। अभी सिर्फ यहाँ पे अगर कुछ लगता है कि कॉमन है, मेरे हिसाब से यहाँ पे कॉमन चीज़ें तो हैं देखा जाए तो, लेकिन फिलहाल इससे काम बन रहा है तो हो सकता है। मतलब हमें क्या करना है, सिर्फ इमेज को कॉपी करना है, पेस्ट करना है, अगले वाले जो ये जो नाम है सिर्फ हमें नाम को चेंज करना है। सो यहाँ पे 2 होगा, 3 2 का होगा 3, यहाँ पे भी 3 होगा, यहाँ पे भी 3 होगा, यहाँ पे भी 3 होगा, ये भी 3 कर देना है, ये भी 3 कर देना है, ये भी 3 कर देना है, बस अभी कंट्रोल एंटर करके देख लेते हैं। तो ये 3rd इमेज को मैं क्लिक करता हूँ, ये बड़ी हो रही है, वापस से क्लिक करेंगे पीछे चले जा रहे हैं, क्लिक करेंगे तो बड़ी हो रही है, वापस से क्लिक करेंगे तो छोटी बड़ी होती रहेगी। सो ये अभी बहुत ईजी हो चुका है। आप लोग और भी तरीके से इसको अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, फिलहाल इतना ही अभी के लिए। सो बाय।